न्याय और ईश्वर को साक्ष्य मानकर इस बात की शपथ लेता हूँ बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन में मुझे आज जो भी पद दिया गया है मैं उसे बिना किसी राग द्वेष बिना किसी भेदभाव के पूर्ण रूप से दो वर्ष तक उसका निर्वहन करूंगा। किसी के प्रति कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखूंगा। ईश्वर मेरी मदद आने वाली समस्याओं का निस्तारण आप लोग सजगता से निपटाएंगे। ना परिचय दीजिए यहाँ पर काहे की काहे मैं डॉक्टर एम नारायण एडिशनल सीएमओ रायबरेली आज बेसिक हेल्थ वर्कर रायबरेली के कार्यकारिणी का चुनाव हुआ जिसमें हम लोग सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस चुनाव में हमारे अध्यक्ष पद के लिए जावेद अहमद खान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए अभिषेक वर्मा जी, मंत्री के लिए रामकिशोर तिवारी जी, संगठन मंत्री अभिषेक यादव और कोषाध्यक्ष आशीष मिश्रा जी, संप्रेक्षक ललित कुमार जी का सर्वसम्मत से चुना हुआ। कितने लोगों ने अध्यक्ष के लिए नामांकन? ये सर्वसम्मत से चुना हुआ है और इसमें निर्विरोध जावेद अहमद खान जी निर्वाचित हैं। जो साथी हैं, जो कर्मचारी संगठन के लीडर हैं, इनसे अनुभव प्राप्त करके इनसे सीखते हुए कर्मचारी संगठनों को भविष्य में मजबूती प्रदान करेंगे। और कर्मचारी किस काहे का चुनाव था? ये बेसिक हेल्थ वर्कर सुपरवाइजर एसोसिएशन का चुनाव था। द्विवार्षिक अधिवेशन आज संपन्न हुआ है। इसमें कौन कौन लोग चुने गए हैं? इसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं जावेद अहमद खां, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए अभिषेक राज वर्मा और मंत्री के लिए रामकिशोर त्यागी जी और संगठन मंत्री के लिए अभिषेक यादव, कोषाध्यक्ष आशीष मिश्रा, संप्रेक्षक ललित कुमार जी, इन सभी का चुनाव निर्विरोध हुआ है और सदन ने पूर्व सहमत के साथ हर्षध्वनि के साथ इनका सबका चुनाव किया। संगठन के लिए आप क्या करेंगे आगे? संगठन के सामने दो समस्याएँ हैं, जो विकट समस्याएं हैं। एक तो जो पुराने सीनियर साथी सुपरवाइज़र हैं उनको एचईओ के लिए पत्रावलिया शासन से भी मंजूर हो गई है लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले उनको एचईओ बनवाना है। और दूसरा जो है वो नए साथी जो कि 30 नवंबर 11 के बाद आए हैं विभाग में, उनको 2000 मिल रहा है ग्रेड पे, इसको 2800 मिलना चाहिए जैसे कि और 30 सितंबर 11 से पहले वालों को 2800 ग्रेड पर मिल रहा है। और ये बड़ा एक पद पर दो वेतन मान है, ये बड़ी स्थिति विषम स्थिति है, इसको समाप्त करना है।